गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मिसलिनियस 16 हम लेंगे। 16.4 तक हम पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज 16। और इसके क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स एज। देखो इसका मतलब क्या आ गया, साइड। कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करनी है, इसमें साइड फाइंड करनी है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करनी है आपको, साइड। तो यहां से हम क्या यूज करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। गिवन में आपके पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया। सॉल्यूशन में देखो गिवन, और गिवन में आपके पास है टोटल सरफेस एरिया। PSA ऑफ क्यूब, PSA ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन में। और PSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, आपको फॉर्मूले कंप्लीटली राइट किए हुए हैं, लिखाए हुए हैं सारे के सारे, तो आपके इन फॉर्मूले को याद भी करना है। और PSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आता है 6 into side square की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 into side square इक्वल टू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहां से बाई लिख लेंगे 6 का, तो डिवाइड में आ जाएगा साइड स्क्वायर इक्वल टू 486 बाई 6। 6 से इसको डिवाइड करेंगे 81, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 81। अब हम आपको ये लेना, बोथ साइड स्क्वायर को, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर रूट, वी टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो साइड इक्वल टू रूट 81 और प्लस माइनस का यूज होगा, यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 81। और साइड इक्वल टू प्लस माइनस 9, 81 का स्क्वायर रूट 9। और साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, साइड की होती ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो साइड इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो सो लेट एज ऑफ क्यूब इज 9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे कि एज ऑफ साइड, एज ऑफ क्यूब इज 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ा सुधार करना है, और इन प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस भी करनी है, प्लस में होमवर्क में भी इन प्रश्नों को करते रहना है। सिलेबस है तो सिलेबस आप जो ओल्डर स्टूडेंट्स हैं इनसे ले सकते हो, या न्यू सिलेबस आप खरीद सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। अब देखो लेंथ ब्रीथ एंड हाइट कौन से शेप में आते हैं, क्यूबॉइड में, ऑफ ए क्यूबॉइड, ऑफ क्यूबॉइड। कई बुक्स में है या 9 की जगह 3 दे रखा है, 9 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, ए सॉरी 9 मीटर, 2 मीटर एंड 1 मीटर, एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे आर का यूज होगा, आर 9 मीटर, 2 मीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली। और यहाँ क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का आपको क्या फाइंड करना है, इसमें सरफेस एरिया। और कई जो बुक्स है, गवर्नमेंट वाली बुक्स है, यहाँ टोटल सरफेस एरिया गिवन में है, लेकिन उसके जो ऑप्शन है, फोर ऑप्शन है, फिर उसमें रॉन्ग है। फोर ऑप्शन, यहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो फोर ऑप्शन में गलती आएगी, इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको ओनली इसमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसके देखो सॉल्यूशन में, गिवन में जो शेप है वो क्या है, क्यूबॉइड है, तो इन क्यूबॉइड में आपको लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 9 मीटर, ब्रीथ ऑफ क्यूबॉइड 2 मीटर एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 1 मीटर। अब इसका देखो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में बहुत डिफरेंस है। टोटल सरफेस एरिया मींस
टीएस टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तो इसके जो कंप्लीट सरफेस है उनका एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा, कंप्लीट एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का आगे टू ब्रैकेट एलबी प्लस बीएच प्लस एच, इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करते हैं टीएसए में। उस और सेकंड नंबर पे क्या करना, ओनली सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया में जो इसका अपर पार्ट है एक तो इसको आप रिमूव कर दो, अपर पार्ट को यहाँ से क्या करेंगे हम रिमूव कर देंगे, और एक जो लोअर पार्ट है इसका बॉटम पार्ट है इसको आप यहाँ से रिमूव कर दो। अब जो रिमेनिंग पार्ट है 1 2 3 4 यानी ओनली इनका फोर वॉल्स का एरिया आपको फाइंड करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर जो सरफेस एरिया में क्या यूज कर सकते हैं, एरिया को फोर वॉल्स में यूज कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बाकी का, यानी कि जो टीएसए है टोटल सरफेस एरिया है इसमें से हम 1 और 2 जो पार्ट है इनके एरिया को लेस भी कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा सरफेस एरिया का वो ये बनेगा शॉर्ट में, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू ब्रैकेट बी एच प्लस एच है, ये शॉर्ट में देखो टोटल सरफेस एरिया है तो टोटल सरफेस एरिया में से हमने क्या किया एन इंटू बी को 2 times लेस कर दिया, इसमें से जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें से यानी कि जो लेंथ इनटू ब्रीथ है उसको 2 times लेस कर दिया। 2 times का मतलब क्या हो गया, एक तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट का, अपर पार्ट भी कैसे होता है रेक्टेंगल शेप में होता है और जो लोअर पार्ट है वो भी रेक्टेंगल शेप में होता है। तो 2 brackets ब्रीथ, तो ब्रीथ इज इक्वल टू 2 meters इंटू हाइट इज 1 meter प्लस हाइट इज 1 meter इंटू लेंथ इज 9 meters, तो 2 brackets 2 into 2 और 9 into 9 9 plus 2 11 11 into 2 इज इक्वल टू 22 meters square, तो required surface area of cuboid is 22 meters square। तो ऐसे किस्म की आपको प्रैक्टिस रखनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में बहुत ही डिफरेंस है। यदि क्वेश्चन में ओनली सरफेस एरिया पूछ रहा है तो आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है, और ओनली आपसे टीएसए पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया तो आपको टोटल सरफेस एरिया का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज, थर्ड क्वेश्चन द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 6 centimeters, जो डायमीटर स्फीयर का वो कितना है 6 centimeters। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आपको फाइंड करना है क्या स्फीयर का वॉल्यूम। इसके 4 options है आपके पास। अब देखो हम चलेंगे अकॉर्डिंग ऑप्शन, 16 pi cm³। बी ऑप्शन में आपके पास है, बी ऑप्शन में है 20 pi cm³, सी ऑप्शन में है 36 pi cm³ एंड डी ऑप्शन में आपके पास है 30 pi cm। अब यहां पर देखो इसके ऑप्शनों को हम स्टडी करते हैं तो ऑप्शन में पाई की वैल्यू को यहाँ चेंज नहीं किया गया है, ऑप्शन में देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू नो चेंज है, तो आपको भी यहाँ पर जो पाई की वैल्यू उसको नो चेंज करना है कि वैल्यू ऑफ पाई ओनली पाई का ही आपको यूज करना है, वैल्यू ऑफ पाई ओनली पाई का ही यूज करना है। अब सही है, अब देखो यहां से द डायमीटर ऑफ स्फीयर, इसके सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 6 centimeters, तो सो दैट रेडियस ऑफ स्फीयर, सो दैट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, डायमीटर बाय 2। अब देखो नेक्स्ट डायमीटर इज इक्वल टू 6 centimeters, तो 6 by 2 इज इक्वल टू 3 centimeters। एंड नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू यूजिंग फॉर्मूला 4/3 πr³। तो 4/3 वैल्यू पाई नो चेंज अकॉर्डिंग ऑप्शन, वैल्यू पाई नो चेंज ओनली पाई, और नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ रेडियस 3 3³, तो 4/3 πr³ into ³³ 3 into 3 into 3
3 एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3 क्यूब, 3 3 कैंसिल, वो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो ऑप्शन है कौन सा राइट होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, यहां से लिखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस प्रकार से आप इसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं फोर्थ, इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके पास ये सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ इट्स बेस 14 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ इट्स, हैज रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस इज 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इन हाइट, एंड 10 सेंटीमीटर इन हाइट, इन हाइट, इन हाइट, जो सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल सिलेंडर का बेस की जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज, एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को उसको रीडिंग करते हैं। ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी, यानी फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का आपको क्या फाइंड करना है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, CSA of सिलेंडर। इसमें भी आपको फोर ऑप्शन है, क्वेश्चन में ए नंबर का जो ऑप्शन है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में भी फोर ऑप्शन थे, सेकंड में भी फोर ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, फोर ऑप्शन है, आपको इसमें से फाइंड करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। वो ऑप्शन ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है 810 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया की यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर मीटर में यदि यूनिट है तो बी नंबर का ऑप्शन है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी नंबर का ऑप्शन है आपके पास 888 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी नंबर का इसमें ऑप्शन है आपके पास वो 890 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहां से भी आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्यूशन करके आपको लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन करके शो करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो ए सिलेंडर हैज रेडियस, देखो गिवन में सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन यहां देखो सिलेंडर यानी इन सिलेंडर रेडियस, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और रेडियस को कैसे शो करेंगे स्मॉल आर से 14 सेंटीमीटर, एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट, h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहां फॉर्मूला किसका यूज करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल क्राउड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आएगा आपके पास 2πRH, 2πRH ये फॉर्मूला पहले भी यूज में ले चुके हैं, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRH, तो 2 वैल्यू ऑफ पाई 22/7, वैल्यू ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर इनटू हाइट 10, 7 से कट गए 2 टाइम, 10 टू जेड 20, 20 को 2 से इनटू करेंगे 40 इनटू 22, 10 को 2 से इनटू किया 20 एंड 20 को 2 से इनटू कर दो तो 20 टू जा 40 इनटू 22 को 4 से इनटू करेंगे 88 एंड 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉलिड क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहां राइट होगा, इसका तो आंसर हम लिखेंगे तो कौन सा आएगा ऑप्शन बी,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं फिफ्थ, जो भी फोर ऑप्शन का क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फोर हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग खास करके से लिया है, और यहाँ पर जो है आपके पास जो गवर्नमेंट बुक्स है उसके अंदर है टोटल सर्फेस एरिया, तो आप काट के उसमें ओनली सर्फेस एरिया आपको यूज करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। और अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि द वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ ए कोन इज, द वॉल्यूम एंड हाइट, एंड हाइट ऑफ ए कोन, ऑफ ए कोन, ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम है क्यूब आया है 308 सेंटीमीटर क्यूब एंड 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस। क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ बेस इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। फर्स्ट है ए नंबर का ऑप्शन, इसमें 7 सेंटीमीटर। बी नंबर का आपके पास ऑप्शन है, इसमें 8 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास 6 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी है नोन ऑफ डेज, नोन ऑफ डेज। तो इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होता है। अब देखो आपको क्वेश्चन में गिवन में क्या है, वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ ए कोन, तो सॉल्यूशन में देखो इन कोन हाइट और हाइट डिनोट करेंगे एच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, रेडियस स्मॉल आर ये आपको यहां फाइंड करना है, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 308 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको गिवन में क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या आएगा, यानी कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 पार्ट, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका क्या करेंगे हम 1/3 पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच को हम 1/3 से इंटू कर देंगे, 1/3 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 308 सेंटीमीटर। तो अब आपको वैल्यू पुटिंग करनी है, 1/3 वैल्यू पाई 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 6 इक्वल टू 308 सेंटीमीटर। 3 से कट कर सकते हैं 6 को 2 टाइम, बाय टीपी कर देंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 308 इंटू 7 बाय 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 आ जाएगा। अब 22 से 308 को हम डिवाइड करेंगे, 308 डिवाइड बाय 22, 22 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम 22, रिमेनिंग आ गया आपके पास 8, ये 8, 22 से 14, 4 टाइम, कितने टाइम ये डिवाइड आया 14 टाइम, 22 से कट किया 14, और r स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 7 बाई 2, 2 से इसको अगेन कट करें तो 7, तो r स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, वी टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो r इक्वल टू रूट 7 इंटू 7, यूजिंग प्लस माइनस, तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर प्लस माइनस, और ओनली जो रेडियस होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, सो दैट r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर वैल्यू ऑफ r, क्योंकि वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कोण, क्योंकि रेडियस ऑफ ए कोण इज 7 सेंटीमीटर, सो दैट ऑप्शन नंबर a इज राइट, ऑप्शन नंबर a इज राइट। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुके हैं जो ऑप्शन वाले थे। अब 6 वाले क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 दिस इज एक्सरसाइज 16।
ऑप्शन नंबर सिक्स है ए सॉलिड मेटल, सॉलिड मेटेलिक, ए सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर, क्वेश्चन नंबर सिक्स ए सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर हैज डायमीटर 42 सेंटीमीटर, हैज डायमीटर 42 सेंटीमीटर, जो इसका डायमीटर है हेमिस्फेयर का, मेटेलिक है, सॉलिड है, मेटेलिक है, इसका डायमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टोटल सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एट द रेट, एट द रेट 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आपने अभी क्या फाइंड करना है, सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर हैज डायमीटर 42 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर कितना है 42 है, तो सॉलिड रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में देखो फोर ऑप्शन वाले नहीं है, सॉल्यूशन में इन हेमिस्फीयर, इन हेमिस्फीयर डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर हाफ, डायमीटर बाय 2, डायमीटर बाय 2, तो डायमीटर इज इक्वल टू 42 बाय 2 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब ये आप फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टोटल सरफेस एरिया, इसके जो टोटल सरफेस एरिया है इसके आपको पॉलिशिंग फाइंड करना है, पॉलिशिंग का जो कॉस्ट है वो फाइंड करना है, तो एक तो इसके सी एस से बांट के होगा एंड इस सर्किल शेप में होगा प्लस सर्किल, यानी कि आपको ये क्या फाइंड करना पड़ेगा सी एस से प्लस सर्किल इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हम आपसे क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हेमिस्फीयर का, तो टी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, तो टी एस से ऑफ हेमिस्फीयर यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू यूजिंग फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ पाई 22/7, 3 इनटू वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड रेडियस इक्वल टू 21 स्क्वायर, 27 से कट करें 3 टाइम, अब इनको इनटू करें 22 इनटू 3 66 इनटू 63, 21 को 3 से इंटू किया 63, 22 को 3 से इंटू किया 66, अब 63 इंटू 66 इसको इंटू करते हैं 18, 1 के 37 इंटू 8, 73 एंड सम ऑफ 8, 5, 10, 11, 4, तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। टी एस से ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4158। और नेक्स्ट देखो रेट ऑफ पॉलिशिंग, रेट ऑफ पॉलिशिंग है, रेट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू 20 पैसा पर मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन में, तो 20 पैसे को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, 20 पैसा को आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में, तो रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, यानी कि रुपीज 20 बाय 100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गई इसकी रेट। और अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग यहां से लिखेंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू टोटल
कॉस्ट फॉर पॉलिसिंग इज इक्वल टू क्या लेंगे यहां से, रेट रेट इनटू टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि जो टीएसए है इसको किससे इनटू कर देंगे हम, रेट से, टीएसए को इनटू करेंगे रेट से, एंड रेट इसकी 20/100 इनटू 4158 जो हमारे पास टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर है, 1 से 10 कैंसिल, इसका इनटू कर लो 8 2 16, 5 2 10 +1 11, 2 1 2 +1 3 4 2 8 / 10, और अब इसके वन डिजिट आफ्टर पॉइंट यूज करेंगे तो ₹8,831.6 ये आंसर आ जाएगा। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिसिंग इज 831.6, द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिसिंग। तो इस प्रकार से हम आज क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे, एंड अब आपको जो भी है इनका प्रैक्टिस आपको करनी है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 तक आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, साथ में जो होमवर्क है होमवर्क भी आपको करते रहना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इन चैप्टर्स को आप भूल जाओगे, इसलिए 15, 16 आपके जो चैप्टर है 15 वाला कंप्लीट हो चुका है, अब 16 वाला है, बुक से तो बुक्स आप खरीद सकते हैं।